अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज वर्क ग्रुप कंप्यूटिंग एंड ग्रुप वेयर, के वर्क ग्रुप कंप्यूटिंग क्या होती है और ग्रुप वेयर क्या होता है। तो चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। वर्क ग्रुप कंप्यूटिंग इज अ ग्रुप ऑफ पर्सन, के ये हमारे पास पर्सन का ग्रुप होता है वर्किंग टूगेदर ऑन अ पार्टिकुलर टास्क बाय शेयरिंग इंफॉर्मेशन थ्रू नेटवर्क। के ग्रुप वेयर हमारे पास एक पर्सन का ग्रुप होता है जो मिलकर काम करते हैं एक पार्टिकुलर टास्क पर, किसी मखसूस काम पर वो मिलकर काम करते हैं। किस लिए? बाय शेयरिंग इंफॉर्मेशन थ्रू नेटवर्क, के वो एक ही नेटवर्क में रहते हुए इंफॉर्मेशन शेयरिंग करके एक ग्रुप के अंदर मिलके काम करते हैं, उसे ग्रुप वर्क कहते हैं। जैसा कि इसके नाम से जाहिर है वर्क ग्रुप, वर्क का मतलब होता है काम और ग्रुप का मतलब होता है एक ग्रुप में मिलकर काम करना। द प्रोसेस ऑफ शेयरिंग इंफॉर्मेशन बाय यूजिंग अ कंप्यूटर नेटवर्क इज कॉल्ड वर्क ग्रुप कंप्यूटिंग। द प्रोसेस ऑफ शेयरिंग इंफॉर्मेशन, के इंफॉर्मेशन शेयर करने का जो प्रोसेस है किसको इस्तेमाल करते हुए, एक नेटवर्क को इस्तेमाल करते हुए इंफॉर्मेशन को शेयर करने का जो प्रोसेस है उसे वर्क ग्रुप कंप्यूटिंग कहते हैं। इसका मतलब यह है कि एक ही नेटवर्क को इस्तेमाल करते हुए ग्रुप वर्क में जो जो लोग इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं उसे वर्क ग्रुप कंप्यूटिंग कहते हैं। इट इज आल्सो कॉल्ड कोलाबोरेटिव कंप्यूटिंग, इसे कोलाबोरेटिव कंप्यूटिंग भी कहते हैं। ट्रांसफर ऑफ डाटा इंफॉर्मेशन इज वेरी फास्ट यूजिंग नेटवर्क। इसमें वर्क ग्रुप में जो डाटा का ट्रांसफर रेट है ना वो हमारे पास क्या होता है, वेरी फास्ट होता है, कि डाटा बहुत जल्दी हम ट्रांसफर कर सकते हैं। इट प्लेड इंपॉर्टेंट रोल इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट। अब हम वर्क ग्रुप इस्तेमाल किधर करते हैं, रिसर्च के लिए और डेवलपमेंट के लिए। डेवलपमेंट और रिसर्च के लिए ज्यादातर हम वर्क ग्रुप इस्तेमाल करते हैं। क्यों इस्तेमाल करते हैं? क्योंकि डेवलपमेंट और रिसर्च के लिए हमें एक टीम की जरूरत होती है। लोग एक टीम की शक्ल में काम करते हैं और टीम की शक्ल में जब काम करते हैं तो वो इंफॉर्मेशन को शेयर भी करते हैं नेटवर्क में, तो वो हमारे पास वर्क ग्रुप बन जाता है। ये हमारे पास, मैंने एक इधर तस्वीर बनाई है, आपको समझने में आसानी होगी कि एक हमारे पास ये बंदा बैठा हुआ है, ये किसी और शहर में बैठा हुआ है, ये किसी और सिटी में है, ये किसी और सिटी में है, और ये नेटवर्क के थ्रू एक दूसरे के साथ क्या है, कनेक्ट है। नेटवर्क, कंप्यूटर नेटवर्क को इस्तेमाल करते हुए ये ग्रुप की शक्ल में एक दूसरे के साथ कनेक्ट है। अब ये बंदा आसानी से इसे चीज भेज सकता है, ये इसे आसानी से भेज सकता है, ये इसे आसानी से भेज सकता है। नेक्स्ट हमारे पास है वर्क ग्रुप वेयर, कि ग्रुप वेयर क्या है। दरअसल ग्रुप वेयर वो सॉफ्टवेयर होता है जो वर्क ग्रुप में लोग इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि इधर लिखा हुआ है, वर्क ग्रुप इज अ सॉफ्टवेयर यूज्ड फॉर वर्क ग्रुप कंप्यूटिंग, के वर्क ग्रुप कंप्यूटिंग के लिए जो सॉफ्टवेयर हम इस्तेमाल करते हैं उसे ग्रुप वेयर कहते हैं। इट इज अ यूज्ड ऑन कंप्यूटर नेटवर्क, ये जो हमारे पास सॉफ्टवेयर है वह ये कहां इस्तेमाल होता है, कंप्यूटर नेटवर्क में इस्तेमाल होता है। द रिसर्चर्स कैन यूज इट टू शेयर इंफॉर्मेशन अबाउट डिफरेंट प्रोजेक्ट ऑनलाइन। अब ये सॉफ्टवेयर हम इस्तेमाल किधर करते हैं, जैसा कि इधर मैंने लिखा हुआ था कि वर्क ग्रुप रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल होता है, तो ग्रुप वेयर का सॉफ्टवेयर रिसर्चर्स इस्तेमाल करते हैं। किस लिए? ताकि वो अपनी इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकें। किधर शेयर कर सकें, कैसे शेयर कर सकें, डिफरेंट प्रोजेक्ट को ऑनलाइन एक दूसरे को अपनी इंफॉर्मेशन शेयर कर सकें। तो ये हमारे पास ग्रुप वेयर होता है जो ग्रुप वर्क कंप्यूटिंग के लिए सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आ गई होगी। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं।